हाय चैनल टीसीडी द कुकिंग डायरीज। आज मैं आपको बता रही हूँ चिकन नगेट्स। इसके लिए मैंने ये लिया है 250 ग्राम चिकन है बोनलेस, और एक अंडा है, दो ब्रेड्स हैं मैंने उसको तोड़ के रखी हैं, और थोड़े से ब्रेड क्रम्स, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सोया सॉस, और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, और आधा चम्मच है नमक। सबसे पहले चिकन को लेना है और इसको एक जार में डाल के इसको पीसना है। देखिए मैंने जो चिकन है उसको पीस लिया। अब इसी में मैं ये जो ब्रेड है ब्रेड डाल दूंगी। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी सोया सॉस, मिर्च भी इसी में डाल दूंगी, थोड़ी सी मैं इसमें बचा लूंगी, और नमक भी पूरा डाल दूंगी इसमें। अब मैं इसको है ना इसको फिर से दोबारा से पीसूंगी। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पीस गया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी, फिर बताती हूँ क्या करना है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 चम्मच छोटे वाले चाय के, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैंने इसमें ऑयल मिक्स कर दिया। ऑयल इसलिए मिक्स करते हैं तो इससे क्या है अपने जो नगेट्स हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। अगर अपन इसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो नगेट्स जो हैं अंदर से वो हार्ड हो जाएंगे। अभी देखिए अब मैंने इसको एक साइड रखती हूँ। अब ये जो मैंने अंडा लिया था उसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। इसमें डाल दूँगी मैं नमक, और उसमें डाल दूँगी मैं जो मैंने काली मिर्च थोड़ी सी बचाई थी वो। इस तरह से एक पॉलिथीन लीजिए आप, कोई सा भी इसको इस तरह से काट लीजिए, उस पर हल्का सा ऑयल लगाइए। और इस पे जो है ये रख लीजिए अपना चिकन, और इसको सब तरफ से फैला दीजिए। बेक छुरी लीजिए, उस पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिए ताकि वो जो है से चिकन हमारा चुपके नहीं, और आपको जिस साइड से भी काटना हो उसमें नगेट्स उस साइड से काट लीजिए। मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। ये देखिए हमारे ये जो नगेट्स हैं वो इस तरह से रेडी हैं। ये अब मैं इसको एक साइड कर दूँगी। ये देखिए जो मेरा अंडे का मिक्सचर है उसको सबसे पहले मैं इसको नगेट्स को लूँगी, इसमें डालूंगी अंडे में, उसके बाद फिर मैं इसको इसमें डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स में। इसी तरह से बना के रखते जाएंगे। ये मेरे नगेट्स बन गए। अब आप इसको चाहें तो इस तरह के एयरटाइट जार में, कोई भी जार में इसको रखकर, और कम से कम इसको फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में रखने के बाद इसको आप 2 महीने तक जो है इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसे करके इस पर एक और पॉलीथीन की इस तरह से कोई सी पॉलीथीन लें और इसके ऊपर ऐसे रख दें। ये रखकर 2 लेयर एक के ऊपर एक नहीं रखें, थोड़े दूर दूर रखें इस तरह से, ये रखकर, और इसके ऊपर आप ढक्कन लगा के आप इसको फ्रीज़र में रखिए। जहाँ बर्फ जमाते हैं वहाँ पर रखेंगे, और जब भी आप इसको चाहें 1 घंटा पहले आधे घंटे पहले निकालें फ्रीज़र में से और इसको फ्राई कर लें। देखिए मैंने तेल को है ना गर्म करने के लिए रखा है, तेल गर्म हो गया है। अब इसको पहले हाई फ्लेम पे डालेंगे, उसके बाद इसको लो पे कर देंगे। देखिए नगेट्स हैं चिकन नगेट्स वो रेडी हैं। ये देखिए इस तरह से हो गए हैं, और आप इसको कभी भी अपनी चाय के साथ खा सकते हैं, लंच में बच्चों के रख सकती हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।